लाल जी, आज आप फिर से बातचीत कर रहे हैं। एक लंबा सफर आपका राजनीतिक लोगों के साथ आपका रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटवा जी की, जिनके साथ भी आप रहे। आपने उनके राजनीतिक करियर से क्या सीखा? सुंदरलाल जी से, पटवा से मेरे शुरू संबंध अच्छे रहे, बड़े भाई सरी के रहे, और मैं उस परिवार से जुड़ा 1960 से। 1960 से मैंने उनके साथ रहकर, उनके परिवार पूरे के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। और अगर सच्चाई कहूँ, सच्चे दिल की भावना कहूँ, तो मैं उन्हीं की प्रेरणा से ही हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे रचनात्मक कार्य में, हर कार्यों में मेरे को उनका वृद्धा आशीर्वाद रहा। चलिए अगली बात करता हूँ। बाल कवि बैरागी जी, जो ने मनाथा क्षेत्र के हैं, उनसे क्या सीखा? उनके साथ भी आप रहे। बाल कवि बैरागी जी से मैंने, यूँ समझ लो, मेरा उनके परिवार से भी अच्छा संबंध रहा शुरू से, 1956 से। 1956 से मैं उनसे जब से जुड़ा, उनकी कार्यशैली से, उनके कामों से, उनके व्यवहार से, उनके परिवार के प्रेम से मैं बहुत ही अभूतपूर्व बना रहा। और उनकी यादें तो मुझको कभी भूल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं हर समय उनके हर क्षेत्र में, चाहे वो मिनिस्टर रहे, चाहे सांसद रहे, चाहे हर काम में रहे, तो मैं उनके साथ ही जुड़ा रहा, और उनकी भी मुझ पे अनूप कृपा रही। अब बात करें, नया दौर आया नरेंद्र नाहटा जी का, लंबे समय तक राजनीति मनासा की करी, उनके साथ भी आप बहुत नज़दीक रहे, उनसे क्या सीखा आपने? आदरणीय श्री नरेंद्र जी नाहटा से मैं 1985 से जुड़ा। 1985 में जब वो चुनाव लड़े थे विधायक का, तो मुझको पहले उनसे मुलाकात कराई इंद्रमल मामा ने। मैं उस समय रसोईयों में बिजी था और आके उनसे मेरी मुलाकात हुई। मगर उनका व्यवहार, उनका प्रेम, उनके एक आकर्षण ऐसा रहा कि मैं उनके साथ जुड़ गया, और ऐसा जुड़ा कि उनने मेरे को इतना अपनापन दिया, इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, और राजनीति के हिसाब से भी उनने मेरे को बहुत कुछ दिया। मैं वर्णन करूँ वो कम है, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा है। और आज तक मैं नरेंद्र जी नाहटा का आभारी हूँ और उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और आज भी उनका प्रेम मेरे दुख में, सुख में, खुशी में, गमी में, वो हर समय आज भी मेरे साथ। अच्छा, बात करें कैलाश चावला जी, उनका भी लंबा सफ़र मनासा मेरा और पुराने राजनीति की वो हैं, उनके संपर्क में आप काफ़ी रहे, मेरे काफ़ी फ़ोटो आपके उनके साथ देखे हैं। कैलाश जी चावला से तो मैं एक यूँ कहूँ कि राजनीति हिसाब से भी रहा नहीं रहा, मगर दोस्ती के नाते से उनने मेरे को बड़ा भाई मानकर माना, और अब बड़ा भाई मानने पर मुझको वही बड़े भाई का सम्मान दिया। चाहे सामाजिक कार्य कोई भी होता, मैं अध्यक्ष भी रहा समाज का 2 साल पंजाबी समाज का, तो मेरे से जुड़े, जब भी वो मेरे से मजाक करते थे कि यार चिमन आते ने बहुत गुजारी, इधर हमारे पास पार्टी में आ जाओ, मैंने कहा पार्टी, सभी पार्टी मेरी अपनी है और मैं सब पार्टियों का ताबेदार हूँ, और ना मैंने किसी से, वो कहते ना कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। मैंने सबसे ऐसा व्यवहार रखा, और चावला जी के कोई भी कार्यक्रम रहा, चाहे परिवार का, शादी का, ब्याह का, कोई भी कार्यक्रम रहा, उनने मेरे को सम्मान दिया और बुलाया, और मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आभारी हूँ। आज भी चावला जी से मेरी टेलीफोन पे बात होती है
तो पहले बोलते हैं, बोलो चमन क्या हाल चाल है, मेरा स्वास्थ्य पूछते, मेरा हाल पूछते। मैं इन शब्दों के साथ उनको धन्यवाद देता हूँ।